वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है पिंकी आर्या और आज हम करने वाले हैं फेशियल क्लीनिंग। फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल के, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ ओरिएंटल बोटैनिक्स का फेशियल क्लीन विद एक्टिवेटेड चारकोल। तो इसके अंदर ये 3 स्टेप फेशियल क्लीनिंग है और एक्टिवेटेड चारकोल के साथ है। ये जो ब्रांड है ये क्रुएल्टी फ्री ब्रांड है। पैकेजिंग वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छे से पैक हो गया है, एकदम वेलवेट पैकेजिंग है। इसका प्राइस एक्चुअली यहाँ पे तो 1899 रुपए है, बट मेरे को ये 1400 रुपए में मिला है। और क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट्स की वो बहुत ज्यादा है, तो आप एक बार नहीं तकरीबन मेरे हिसाब से आप 10 से 12 बार इसे फेशियल कर सकते हो। तो अंदर की पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। टोटल आपको 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं बिकॉज ये 3 स्टेप पैकेजिंग है। तो ये फर्स्ट जो है वो है फेस वॉश, जो कि ब्राइटन ग्लो फेस वॉश है, कुछ इस तरीके का ये दिखता है। और सेकंड स्टेप है इसका स्क्रब, ये भी इसके अंदर भी चारकोल डाला गया है। 4-in-1 फेस स्क्रब है जो कि आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, ब्राइटन करता है और रिफ्रेश करता है। एंड द थर्ड एंड लास्ट स्टेप है इसका मास्क। तो ये क्ले मास्क है, 3-in-1 है, जो कि आपके पोर्स को डिटॉक्सिफाई करता है, व्हाइटनिंग करता है एंड रिफ्रेशमेंट देता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम है, मैं देखती हूँ कैसा होगा फेशियल क्लीनिंग, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा फाउंडेशन वाला रूटीन का एक वीडियो शूट करूं, तो उसके लिए डेफिनेटली आपका फेस जो है वो क्लीन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है अपने बालों को पीछे की तरफ बांध देंगे, क्योंकि वही एक इम्पॉर्टेंट चीज है ताकि आपके बाल आपके पास ना आए। और अब मैं इसका फर्स्ट स्टेप करने वाली हूँ फेशियल क्लीनिंग के लिए। डेफिनेटली ये नया है तो ये फर्स्ट इंप्रेशन भी होगा मेरे लिए। और इसकी जो पैकेजिंग है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि आप इसको रेगुलर फेस वॉश के जैसे भी यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक छोटा सा रिव्यू जान लेते हैं इसका। ये ओरिएंटल बोटैनिक्स की तरफ से एक्टिवेटेड चारकोल ब्राइटनिंग ग्लो फेस वॉश विद डीप क्लीनिंग, व्हाइटनिंग एंड रिफ्रेशिंग फॉर ऑल स्किन टाइप। इसको सारे स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल इस प्रोडक्ट को देखें तो ये 899 रुपीज का है। सेंट बोटैनिकल या ओरिएंटल बोटैनिकल आप बोलें तो ये एकदम क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट बनाते हैं। नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल, नो एनिमल टेस्टेड। तो ये पूरी तरह से नेचुरल प्रोडक्ट होता है और ये आपके स्किन के सारे इंप्योरिटीज को निकाल देता है, पॉल्यूशन वॉल्यूशन को। इसके अंदर विटामिन सी डाला गया, बी की पूरी फैमिली इसके अंदर डाल दी गई है, जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन एंड ग्लो करेगा, रिफ्रेशमेंट देगा और आपकी स्किन को ब्रेथ करने में सहूलियत देगा। साथ ही साथ आपके प्रिवेंट करेगा एक्ने, ब्लैकहेड्स एंड एक्सेसिव ऑयल से, और आपके पोर्स को बंद होने से करेगा। खास बात यह है कि ये पैकेजिंग लॉक के साथ आता था, ये ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसको आराम से इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ नया पंप है तो डेफिनेटली टाइम लगता है निकलने में, तो मैं यहाँ कंसिस्टेंसी ये बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी है और थोड़ी सी अमाउंट का आपको लगना है, और आप इसको डायरेक्टली यूज करने के बाद यहाँ से बंद कर दीजिए। और ये आपके सारे लोग यूज कर सकते हैं, फेशियल क्लीनिंग जब आप कर रहे हो तो। एक्टिवेटेड चारकोल डेफिनेटली इम्प्योरिटीज को निकालने में काम, थोड़ा सा पानी लगा के और मैं अपने फेस को वॉश करूंगी। स्मेल भी इसकी काफी अच्छी है, स्मेल तो ऑलमोस्ट लाइक अरबी स्मेल है इसकी। ऐसा नहीं है कि अच्छे से आपको कम से कम 1 मिनट तक वॉश करना है फेस को। आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा झाग नहीं बना रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि इसके अंदर SLS वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं डाला गया है, इसलिए इतना झाग नहीं बनाया है। और फटाफट इसको धोने के 1 मिनट तक आपको मसाज करने के बाद धोना है, क्योंकि हम फेशियल क्लीनिंग कर रहे हैं इसलिए। तो चलिए मैं इसको धो के आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा एटमोसफेयर है नहीं। ओके, मैं कहीं गई नहीं, मैंने यहीं कपड़े से पूछना ही बेहतर समझा इसको। फेस वॉश हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जो कि है स्क्रबिंग। जब भी आप फेशियल करते हो तो स्क्रबिंग एक अहम किरदार निभाता है, क्योंकि सारे डेड स्किन सेल्स, ब्लैकहेड्स और ये सारी चीजें जो स्क्रब है वही हमारे स्किन से निकालता है। और जब आप किसी भी फाउंडेशन या मेकअप से पहले स्क्रब करते हो तो आपके स्किन पर वो इवनली स्प्रेड होता है, फ्लेकीनेस और ड्राई स्किन वालों के लिए बेसिकली जो फ्लेकीनेस है वो कम हो जाती है। तो चलिए स्क्रब करते हैं। मैं पहले स्क्रब लगा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी आपको डिटेल देंगे प्रोडक्ट के बारे में।
तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगाना नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्प्रेडेबल है ये जो भी प्रोडक्ट है इनके, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेडेबल है। तो आपको थोड़ी सी अमाउंट में, ऐसा नहीं कि आप भर भर के लगा रहे हो, वो काम नहीं होगा, वो वेस्ट ही होगा एक्चुअली आपका प्रोडक्ट। तो काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी मैंने बताया, आप 10 से 12 बार इससे आराम से फेशियल कर सकते हो। तो इसका जो इंडिविजुअल प्राइस है इस स्क्रब का, वो है 699 रुपीज, यानी तकरीबन 700 रुपए, और 100 ग्राम की क्वांटिटी के साथ ही आता है। और इसके इंग्रेडिएंट के अंदर भी कोई पैराबेन एसिड्स कुछ भी नहीं डाला गया है। 4-in-1 स्क्रब है ये, एक्सफोलिएट करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, ब्राइटन करता है और रिफ्रेश करता है आपके फेस को। और ये सारी चीजें ये बोलते हैं। इसके अंदर भी बी की पूरी फैमिली, B3, B5 वॉलट शेल्स डाले गए हैं, एज एक्सफोलिएटिंग पार्ट डाला गया है इसके अंदर, ब्राइटन अप करता है आपकी स्किन को। तो चलिए फटाफट स्क्रब करते हैं। स्क्रब आपको हमेशा हल्के हाथों से करना है, थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहिएगा। जस्ट ये बिगनर फेशियल है, ये कोई क्रीम वाले फेशियल नहीं है, क्योंकि मुझे वो उस तरीके से आते भी नहीं है। मैं सीखूंगी, डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपको बहुत ही प्यार से और जेंटली अपने स्किन को स्क्रब करना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बता देती हूँ कि मैं जो हाइलोरिक एसिड यूज़ कर रही हूँ स्किन के ऊपर, उससे स्किन एकदम क्लियर और चिकनी हो रही है। तो ये स्क्रब भी बहुत अच्छे से ग्लाइड हो रहा है उस चीज़ पे। तो आपको अच्छे से अपने टाइम लेते हुए 2 से 3 मिनट आराम से स्क्रब कीजिए सारी, नोज के आसपास की जो फ्लेकीनेस होती है, चिन के पास होती है। मुझे बेसिकली फ्लेकीनेस यहाँ और नोज के पास रहती है इन सर्दियों के टाइम में। तो आराम से अपना टाइम देते हुए स्क्रब करें आप, तो मैं वही कर रही हूँ आराम से। और जब आपका स्क्रब हो जाए तो आप अच्छे से एक टाल से पूछ सकते हैं, और शायद स्पंज भी आते हैं जिनके पास रखा हुआ है, वो उससे भी कर सकते हैं। माना पड़ेगा स्क्रब बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जेंटल है, बट डेफिनेटली आपको ग्रैनुल्स फील होंगे। पोछते पोछते स्किन के ऊपर इसने बहुत ही अच्छा एक ग्लो ऐड कर दिया है, मुझे काफी पसंद आ रहा है, आप देख सकते हैं। और अब हमारा लास्ट स्टेप आता है, थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं। और फेशियल की यही बात है कि आपकी स्किन एकदम क्लीन क्लीन फील हो रही होती है। एक्चुअली मैंने कभी फेशियल किया नहीं है, बट दिस इज माय फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। और जो थर्ड एंड फाइनल स्टेप है हमारा, वो है एक्टिवेटेड चारकोल 3-in-1 क्ले मास्क। ओके, इंडिविजुअल रिव्यू अगर आपको चाहिए तो भी 699 रुपीज का है, और आप इसको अलग से भी परचेज कर सकते हैं। ये 3-in-1 है तो इसके 3 काम है, प्योर डिटॉक्सिफाइंग है, व्हाइटनिंग है, रिफ्रेशिंग है। डेफिनेटली ये क्ले मास्क है जिसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल डाला गया है, विटामिन सी, ई और B3 B5 डाला गया है इसके अंदर, और ये भी सारे पैराबिन एंड क्रुएल्टी से फ्री है। तो चलिए इसको देखते हैं। स्मेल सभी की एक है, किसी की भी अलग से आपको स्मेल नहीं मिलेगी, सेपरेटर के साथ आते हैं। तो इसको मेरा फर्स्ट टाइम ट्राइंग है, तो निकालने में खोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओके, इसकी स्मेल थोड़ी अलग है, मतलब वैसी नहीं है स्मेल जैसी बाकी 2 प्रोडक्ट्स की थी। ओके, और जो भी लिड के ऊपर ही है मैं वही यूज करूंगी, मैं अलग से इसमें से प्रोडक्ट नहीं निकाल रही हूँ। मैंने आपको बताया 100 ग्राम की क्वांटिटी है, तो आपको लॉन्ग वे में चलने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अपने जीवन भर यूज करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मास्क अप्लाई करना। मास्क में अगर उस मास्क पर लिखा हुआ नहीं हो कि आपको थिक या थिन लेयर अप्लाई करना है, तो आप कोशिश यही किया कीजिए कि आपको हमेशा थिन लेयर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मास्क हमेशा थिन, जितना भी उनके मॉलिक्यूल्स कम करोगे आप, वो उतने ही जल्दी अच्छे से अपना रिजल्ट दिखा पाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा भर के मास्क लगा लोगे तो वो आप अपनी स्किन को ही ढीला कर रहे होते हो, तो ऐसा नहीं करना होता हमको। अगर किसी मास्क पर स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि आपको वो थिक लेयर में अप्लाई करना है, तो बात अलग है, लेकिन वरना आपको हमेशा मास्क जो है वो थिन लेयर में अप्लाई करना चाहिए। इसलिए ब्रशेस दिए होते, बट मैं यहाँ हाथ का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पूरा ही फेशियल का जो तरीका है वो हमने हाथ से यूज़ किया है। मेरे को हल्का सा टिंगलिंग फील हो रहा है इस मास्क को लगाते हुए। आंखों के एरिया से दूर करके अप्लाई करना है। तो चलिए मास्क भी अप्लाई हो गया है, और अभी इसको हम छोड़ देंगे सूखने के लिए, एंड देन आई विल कम बैक और देखते हैं कि क्या रिजल्ट है इस फेशियल का। तो चलिए मैं आपको, मेरा मास्क जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, एकदम खिचा खिचा नहीं लग रहा, आप बिल्कुल आराम से बात कर सकते हो इसको लगाते हुए। और ये एकदम रिफ्रेश मिंथोल जैसा मेरे को लग रहा है, इसको लगाते टाइम हल्का सा आपको टिंगलिंग भी लग सकता है। तो चलिए इसको पोंछ लेते हैं।
आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि कुछ भी कहो, इन्होंने एक जो ग्लो दिया है फेस के ऊपर वो काबिली तारीफ है. कोई भी ब्राइडल हो या कोई भी शादी वादी के फंक्शन में जा रहा हो, वो डेफिनेटली अपने स्किन के ऊपर ग्लो देखना चाहते हैं. तो आई थिंक ये बहुत बहुत ही अच्छा है. आप एक डब्बा ले लो और आपकी पूरी फैमिली जो भी जिनको भी फेशियल करना है एक्चुअली वो कर सकते हैं इसको आराम से. और यस, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो कि आपको लग रहा हो कि मैं तारीफों के पुल बांध रही हूँ तो मेरे को पैसे मिले. जी नहीं, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है. और बस मैं इसको वॉश करके आ जाऊंगी. डेफिनेटली वॉश करना जरूरी है आपको. तो मुझे ओवरऑल काफी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है. इसने बहुत ही अच्छा ग्लो दिया और आपकी स्किन एक्चुअली फील हो रहा है कि आपने फेशियल किया है. एकदम चिकनी, जो हाथ पे एकदम ब्लैक हेड्स, खुरदरापन, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है. मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और मेरा जो फाइनल रिव्यू है या फाइनल चीज है इसके लिए, वो एक्चुअली ये है कि थम्स अप है इसके लिए. डेफिनेटली आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए ये. और एक बार खरीदेंगे तो आपको बिल्कुल ही पसंद आने वाला, बिकॉज मुझे ये काफी पसंद आया है. तो अगर आपको मेरे छोटा सा क्लीन अप वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा. और प्लीज कॉमेंट जरूर लिखिएगा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए. और इसका जो डिटेल है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल डाल दूंगी, तो वहां से चेकआउट करना नहीं भूलिएगा. तब तक के लिए खुश रहिए. और हाँ, आप इनके सारे जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिविजुअली परचेज कर सकते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं. ऐसा नहीं कि आपको क्लीनअप के साथ ही परचेज करना है, आप इंडिविजुअली परचेज कर सकते हैं. तब तक के लिए खुश रहिए. अल्लाह हाफिज. शादी एंजॉय कीजिए.